बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, वेलकम है। और मैं हूँ आपकी मौलिमा शेख अमीना सिराजुद्दीन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और घर में महफूज होंगे और थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का खैर मकदम है, स्वागत है, खुशामदीद है और आप सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सबक नंबर 6, तफरीह के जराए और तारीख। हिस्सा अव्वल में हमने तफरीह की जरूरत और अवामी नाटक इसके मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। तफरीह की जरूरत क्यों होती है? हमें उम्दा दर्जे की खालिस तफरीह इंसान की बेऐब नशोनुमा के लिए बहुत अहम होती है। तफरी लगी बंधी जिंदगी की उकताहट को दूर करके दिल को ताजगी, सुकून, जिस्म को जोश, वलवला और काम करने की कुव्वत फराहम करने का काम करती है। खेल कूद और मशागिल के जरिए शख्सियत का इर्तिका होता है। भारत में अहद कदीम और अहद वस्ता में त्यौहार, तकरीबान, खेल, रक्स, ग्लोकारी वगैरह जैसे तफरीह के वसायल हुआ करते थे। जदीद ज़माने में बेशुमार तफरीही वसायल मैसर है। हमने ये मालूमात हासिल की कि तफरीह की दो किस्में हैं, सरगर्मी असास और गैर सरगर्मी असास। सरगर्मी असास में किसी शख्स की जिस्मानी और जहनी शमूलियत सरगर्मी असास तफरी कहलाती है, जैसे दस्ती पेशा, खेल वगैरह। और गैर सरगर्मी असास यानी कि जब हम खेलों के मुकाबले देखते हैं, मौसीकी सुनते हैं या फिल्म देखते हैं, तो इसमें हम सिर्फ एक नाजरीन या तमाशबीन होते हैं। हमने देखा अवामी नाटक में कठपुतलियों का खेल कहाँ कहाँ होता है, उसमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और किस तरह से होता है हमने ये जाना। और दशावतारी ड्रामे यानी 10 अवतार वाले ड्रामे, वो भी हमने देखा, हमने जाना, हमने समझा। उसके बाद हमने भजन की दो किस्में, सुंगी भजन और चक्री भजन, इसके बारे में जाना। कीर्तन के मुतालिक हमने मालूमात हासिल की। उसके बाद ललित, भारूड़ और तमाशा, इन चीज़ों के बारे में हमने मालूमात हासिल की। आगे हम मराठी थिएटर, भारतीय फिल्मी दुनिया और तफरीही शोबे में रोजगार के मवायक, इनके मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। और ये हिस्सा दुआम है। मराठी पोवाड़ा के बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं कि जो ये पोवाड़ा होता है, नस्र नज्म के इम्तिजाज पर मुश्तमिल पेशकश की एक किस्म है। पोवाड़ा नस्र और नज्म के इम्तिजाज पर मुश्तमिल एक पेशकश है।
बहादुर मर्द और ख्वातीन के कारनामों को पवाड़े के जरिए जोश और वलवला अंगेज में बयान किया जाता है, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में अज्ञान नामी शायर के जरिए। शिवाजी महाराज के जमाने में अज्ञान दास नामी शायर के जरिए अफजल खान के कत्ल पर तैयार किया गया पवाड़ा और तुलसीदास का तख्लीक करदा सेंधगढ़ की लड़ाई का पवाड़ा बहुत मशहूर है। तो आप समझ गए होंगे कि पवाड़ा किसे कहते हैं। पवाड़ा नसर व नज़्म के इम्तिजाज पर मुश्तमिल पेशकश की एक किस्म है। बहादुर मर्द और ख्वातीन के कारनामों को पवाड़े के जरिए जोश और वलवला अंगेज अंदाज में बयान किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बरतानवी दौरे हुकूमत में उमाजी नायक चाफेकर ब्रदरान और महात्मा गांधी पर पवाड़े तख्लीक किए गए। मुतहदा महाराष्ट्र तहरीक के जमाने में अमर शेख, अन्ना भाव साठे और गवांकर जैसे शोरा के तख्लीक करदा पवाड़ों के जरिए महाराष्ट्र में समाजी बेदारी पैदा की गई। मराठी थिएटर। अब हम जानेंगे मराठी थिएटर के मुतालिक किसी फर्द या ग्रुप के जरिए फुनूनी लतीफा की पेशकश के मकाम को रंगभूमि यानी स्टेज या थिएटर कहते हैं। तो थिएटर किसे कहते हैं कि किसी फर्द या ग्रुप यानी ग्रुप या सिंगल या ग्रुप के जरिए फुनूनी लतीफा की पेशकश के मकाम को रंगभूमि स्टेज या थिएटर कहते हैं। फुनूने लतीफा में फनकार और नाजरीन दोनों की शमूलियत अहम होती है। तो स्टेज पर जो भी ड्रामा है या फिर डांस है, जो भी चीजें हैं, उसमें जो है फनकार और नाजरीन दोनों की शमूलियत बहुत अहम होती है, तभी ये चीज कामयाब होगी। और उन्होंने लतीफा में जो फनकार और नाजरीन दोनों की शमूलियत अहम होती है और जो भी प्रोग्राम पेश किया जाता है उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले स्टेज पर जो है वो थिएटर या स्टेज से वाबस्ता अवामिल जो है वो रोशनी का इंतज़ाम, यानी स्टेज पर रोशनी का इंतज़ाम बेहतर होना ज़रूरी है और ड्रामे की स्क्रिप्ट अच्छी होना चाहिए, उसमें दमदार होने चाहिए, कुछ ऐसी चीज होना चाहिए कि सामने वाला उसे मुतासिर हो सके। जब स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो ड्रामा भी अच्छा ही बनेगा। क्रिटिक्स, नक्काद, मेकअप, जो फनकार के जो अदाकार के जो मेकअप होते हैं वो ड्रामे या फिर जो भी प्रोग्राम है डांस का है जो भी, उसके मुताबिक उनका मेकअप होना चाहिए। फिर अदाकार जो है वो जो है उस तरह के रोल, किस तरह के रोल निभा रहे हैं उसमें वो फिट बैठना चाहिए। अगर वो किसी गांव के किरदार है, गांव का किरदार है, तो उस तरह का किरदार अदा करना आना चाहिए। अगर वो किसी राजा का किरदार अदा कर रहा है तो उसमें वो फीलिंग्स आनी चाहिए, तभी सामने वाले को मुतासिर कर सकता है। तो अदाकार भी जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके बाद मलबूसात, जो भी ड्रामा है या जो भी दूसरे प्रोग्राम्स है उसके जो मलबूसात है, जेवरात है, वो उसके मुताबिक होना चाहिए, उस ड्रामे या डांस के मुताबिक होना जरूरी है।
स्टेज डिजाइन, स्टेज डिजाइन भी ऐसा होना चाहिए कि नाज़रीन को अपनी तरफ मुतासिर कर सके। हिदायतकार, डायरेक्टर का रोल भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम है। ड्रामे के नाज़रीन, वो बहुत अहम है, उन्हें पसंद आता है नहीं आता है वो उन पर डिपेंड होता है, तो नाज़रीन बहुत ही अहम है। तो ये थे थिएटर या स्टेज से वाबस्ता अवामिल। ड्रामे में रक्स व मौसकी का भी इस्तेमाल किया जाता है। ज्यादातर ड्रामे मुकालमों की शक्ल में पेश किए जाते हैं, यानी डायलॉग, ड्रामे में डायलॉग होते हैं, लेकिन पहले के जमाने में खामोश अदाकारी होती थी। खामोश, उसे खामोश ड्रामा कहते थे, यानी कुछ ड्रामों में खामोश अदाकारी भी होती है, अभी भी होती है, उस किस्म के ड्रामों को खामोश ड्रामा कहते हैं। जैसे ये इसकी मिसाल है कि हमने पहले की भी मिसाल है और अभी की भी मिसाल, यहाँ हम देख सकते हैं कि अभी भी खामोश ड्रामे होते हैं। लोकमान्य तिलक, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा गांधी, छत्रपति संभाजी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, इन सबकी जिंदगी से मुतालिक ड्रामों के बारे में मालूमात हासिल कीजिए। ये आपके लिए एक सरगर्मी है। तंजावर के भोसले खानदान ने मराठी और जनूबी हिंद की जबानों में ड्रामों को फरोग दिया। इस खानदान के राजाओं ने खुद ड्रामे लिखे और संस्कृत ड्रामों के तर्जुमे किए। कौन? तंजावर के भोसले खानदान। महाराष्ट्र में थिएटर के फरोग में 19वीं सदी को अहम मकाम हासिल है। क्यों? क्योंकि विष्णुदास भावे को मराठी थिएटर का बानी माना जाता है। सीता स्वयंवर पहला ड्रामा है जो विष्णुदास भावे ने थिएटर में पेश किया। पहला ड्रामा उन्होंने, विष्णुदास भावे ने पहला ड्रामा जो है वो थिएटर में पेश किया, उसका नाम है सीता स्वयंवर। इसीलिए उनको, विष्णुदास भावे को मराठी थिएटर का बानी कहा जाता है। विष्णुदास भावे के तसनीफ करदा ड्रामे के बाद महाराष्ट्र में तारीखी और देवमालाई ड्रामों के साथ ही हल्के फुल्के तरबिया ड्रामे भी थिएटर में पेश किए गए, जिनमें मजाहिया असलूब और में सामाजिक मौजूदात पेश किए जाते थे। इसलिए विष्णुदास भावे को मराठी थिएटर का बानी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपना पहला ड्रामा जो है वो मराठी थिएटर में पेश किया और उसका नाम था सीता स्वयंवर। ये खानापुरी या जोड़ियों में आ सकता है। इब्तिदा में ड्रामों के स्क्रिप्ट तहरीरी शक्ल में नहीं होते थे। उनमें अक्सर गीत तहरीरी शक्ल में होने के बावजूद मुकालमे बहुत बेसाख्ता होते थे। मतबूआ शक्ल में स्क्रिप्ट के साथ दस्तियाब पहला नाटक वी जे कीर्तने का सन 1861 में तहरीर करदा बड़े माधव राव पेशवा था। उस ड्रामे की वजह से मुकम्मल तहरीर शुदा स्क्रिप्ट पर मुश्तमिल ड्रामों की नई रिवायत शुरू हुई।
19वीं सदी के अवाखिर में शुमाली हिंदुस्तान की मशहूर ख्याल मौसीकी को महाराष्ट्र में राइज करने का काम बाल कृष्ण बुआ अचल करंजीकर ने किया। तो कौन सी मौसीकी? ख्याल। ख्याल ये कहाँ की? शुमाली हिंदुस्तान की मशहूर मौसीकी ख्याल। तो इसको राइज करने का काम किसने किया? बाल कृष्ण बुआ अचलकर रंजीकर ने किया। उनके बाद उस्तादुल्ला दया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान और उस्ताद रहमत खान ने महाराष्ट्र के अहले जोक में मौसीकी के तई दिलचस्पी पैदा की, जिसके नतीजे में मौसीकी थिएटर वजूद में आया। किर्लोस्कर ग्रुप नामी ड्रामा कंपनी के मौसीकी ड्रामे लोगों में बहुत मकबूल हुए। उनमें अन्ना साहब किर्लोस्कर का तहरीर करता संगीत शाकुंतल बहुत मशहूर हुआ। कौन सी कंपनी? किर्लोस्कर ग्रुप नामी ड्रामा कंपनी। और इसके जो बानी थे वो अन्ना साहब किर्लोस्कर का तहरीर करता कौन सा था? संगीत शाकुंतल बहुत मशहूर हुआ। मौसीकी ड्रामों में गोविंद बल्लाल देवल का तहरीर करदा ड्रामा संगीत शारदा बेहद अहमियत का हामिल है। यानी ये ड्रामे जो है बहुत ही अच्छे थे और बहुत ही अहम थे, इसलिए ये बेहद अहमियत का हामिल है। इस ड्रामे में क्या बताया गया था? तो इस ड्रामे में मोमर लड़कियों की शादियों के फरसुदा रिवाज पर मजाहिया अंदाज में लेकिन जबरदस्त नुक्ताचीनी की गई है। ये ड्रामे थिएटर की तारीख में अहमियत के हामिल हैं। कौन से ड्रामे जो है वो थिएटर की तारीख में अहमियत के हामिल हैं? अब हम ये देखेंगे। श्री पादकृष्ण कोल्हटकर का मोक नायक, ये ड्रामा जो है वो थिएटर की तारीख में अहमियत का हामिल है। और दूसरे ड्रामे हैं जैसे कृष्णा जी प्रभाकर खाडिलकर का संगीत माना पमान, ये ड्रामा भी अहमियत का हामिल है। और राम गणेश गडकरी का एकच प्याला जैसे ड्रामे थिएटर की तारीख में अहमियत के हामिल हैं। क्या आप जानते हैं खाडलकर की रजमिया नज्म महाभारत के वाकयात पर मबनी मौसर बरतानवी हुकूमत पर नुक्ताचीनी करने वाला केचक वध ड्रामा लिखा? किसने लिखा? खाडलकर ने। रजमिया नज्म कौन सी? महाभारत। उसके वाकयात पर मबनी उन्होंने एक रजमिया नज्म लिखी और वो रजमिया नज्म पर एक ड्रामा लिखा। कौन सा ड्रामा लिखा? केचक वध। और केचक वध में द्रौपदी के रूप में बेसहारा मादरे वतन भारत युधिष्ठिर यानी एतदाल पसंद जमात भीम यानी इंतहा पसंद और केचक यानी हुकूमत की चमक में अंधे वायसराय लॉर्ड कर्जन, इस तरह नाजरीन ये ड्रामा देखते थे और उनके दिलों में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ नफरत पैदा होती थी। यानी केचक वह जो है वो ड्रामा कब बना? जब हमारे यहाँ ब्रिटिश हुकूमत थी तब।
मराठी थिएटर के दौरे तंजल में आचार्य अत्रे के साष्टांग नमस्कार, उदयाचा संसार, घरा बाहेर जैसे मकबूले आम ड्रामों ने थिएटर को सहारा देने में अहम किरदार निभाया। किसके ड्रामे थे ये? आचार्य अत्रे के। कौन कौन से? साष्टांग नमस्कार, उदयाचा संसार और घरा बाहर। ये जो ड्रामे बहुत ही मकबूल थे और उसकी वजह से थिएटर जो है वो चल रहे थे। हालिया दौर के नए तर्ज के हामिल मशहूर ड्रामे, जो अभी इस दौर के मशहूर ड्रामे कौन कौन से हैं? तो वसंत कांटेकर का राय गड़ाला, जीवा जाग गीते और इथे औषाढ़ाला मृत्यु। और कौन से हैं? ये किसके हैं? वसंत कांटेकर का ड्रामा है। और कौन सा है? राय गड़ाला, जीवा जागेते और जेवा जागेते और इथे औषाढ़ाला मृत्यु। ये ड्रामे अभी भी चलते हैं। और किसके ड्रामे हैं? विजय तेंदुलकर का घाशीराम कोतवाल, विश्राम बेड़ेकर का तिलक आनी आगरकर वगैरह नए तर्ज की हामिल ड्रामे बहुत मशहूर हैं। ये ड्रामे अभी भी होते हैं और बहुत ही मशहूर है। कौन कौन से? तो वसंत कांटेकर का राय गड़ाला, जीवा जेवा जागेते और इथे औषाढ़ाला मृत्यु, और विजय तेंदुलकर का घासीराम कोतवाल और विश्राम बेड़ेकर का तिलक आनी आगरकर। नाटक के अहम अदाकार। अब हम जानेंगे कि नाटक के अहम अदाकार कौन थे। बाल गंधर्व ये मशहूर कैरेक्टर हैं जो कि नाटक में काम करते थे, नाटक के अदाकार थे। और ये गणपत राव जोशी, और ये है नारायण राव राजहंस। मुख्तलिफ मौजूदात पर मबनी ड्रामों और उनकी मुख्तलिफ अकसाम की वजह से मराठी थिएटर कवि होता गया, यानी मजबूत हो गया होता गया। और नाटक के अहम अदाकारों में जो है ये गणपत राव जोशी, बाल गंधर्व और नारायण राव राजहंस। और कौन से अदाकार थे? चिंतामन राव कोलटकर, केशव राव भोसले, गणपत राव बोडस, केशव राव भोसले, चिंतामन राव कोलटकर, ये अदाकार वगैरह के नाम जो है वो सरे फहरिस्त थे। ये मशहूर अदाकार थे ड्रामे के। उनके मराठी ड्रामे जो थे वो पहले खुले मैदान में होते थे। बाद में क्या हुआ, बरतानवी हुकूमत ने सबसे पहले मुंबई में रिपन प्ले हाउस और विक्टोरिया नामी ड्रामा घरों की तामीर की, यानी बरतानवी हुकूमत में ही जो है वो ड्रामा घरों की तामीर हो चुकी थी। इस तरह के थिएटर जो है वो तामीर हो चुके थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मराठी ड्रामों के तजुर्बात भी दीवार बंद ड्रामा घरों में होने लगे। तो पहले जो है वो खुले मैदान में ड्रामे होते थे और उसके बाद बरतानवी हुकूमत ने क्या किया कि ड्रामा घरों की तामीर की। वो कौन से थे? मुंबई में रिपन प्ले हाउस और विक्टोरिया। क्या आप जानते हैं मशहूर अदीब वी वाशरोडकर कुसुमा ग्रज का शेक्सपियर के ड्रामे किंग लेयर के तर्ज पर लिखा हुआ ड्रामा नट सम्राट बहुत मशहूर हुआ, खूब मशहूर हुआ। किसका? वी ए शिरोडकर यानी कुसुमा ग्रज, उनको इस नाम से जाना जाता था। और उन्होंने शेक्सपियर के ड्रामे किंग लेयर
के तर्ज पर लिखा हुआ। उन्होंने एक ड्रामा लिखा जो कि शेक्सपियर के ड्रामे किंग लेर की तरह ही था। उस ड्रामे का नाम था नट सम्राट। वो बहुत ही मशहूर हुआ और उस पर किताबें भी हैं। जब मैं मराठी में एमए कर रही थी तो एक किताब हमको नट सम्राट भी थी, एक सब्जेक्ट वो भी था। तो ये ड्रामा बहुत ही मशहूर हुआ था। शिरोडकर ने इस ड्रामे के हजनिया हीरो गणपत राव बेवलकर का किरदार माजी के मशहूर अदाकारों गणपत राव जोशी और नाना साहब हाटक की शख्सियतों के मुख्तलिफ पहलुओं के इम्तिजाज से तैयार किया था। आज हमने मराठी थिएटर के बारे में मालूमात हासिल की। अगले पार्ट में, अगले हिस्से में हम भारतीय फिल्मी दुनिया यानी इंडियन सिनेमा के मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे। कौन कौन सी फिल्में आज़ादी से कब्ल बनी और कौन सी फिल्में आज़ादी के बाद बनी, कौन सी फिल्में मशहूर हैं, किसने बनाई, कौन सी भारतीय फिल्म थी जो भारत में रिलीज हुई, इसके बारे में जानकारी हम, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम अगले हिस्से में मालूम करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत सारी जो मालूमात दी गई है आप उसको जहन नशीन कर लीजिए, ताकि ये आपके इम्तिहान के वक्त पर काम आ सके। खाना पूरी, जोड़ियाँ और सवाल जवाब में इसको पूछे जा सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। प्यारे बच्चों, वीडियो खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस निशान को क्लिक करना है। समझ में आया आपको? तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है। और आपको इसमें क्या दिखाई देगा, इसमें दिखाई देगा आपको फीडबैक फॉर्म। गूगल लिंक यहाँ दी गई है, ये है फीडबैक की गूगल लिंक है, इसको आपको ओपन करना है और अपने तासुरात, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, तो इस फॉर्म में यही दिया गया है। तो आप ज़रूर इसको ओपन कीजिए और अपने तासुरात बताइए। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, कुछ सवाल दिए गए हैं, आप उसकी मश कीजिए। तो है ना मजेदार एक्टिविटी, तो चलिए कीजिए झटपट। और बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो VTC का चैनल है, वर्चुअल का चैनल है, आपको इसको करना है सब्सक्राइब, ताकि जब भी कोई भी नया एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको क्या करेंगे, लाइक करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे लाइक का बटन, नीचे थंब का इस तरह से निशान है उसको आप प्रेस कीजिए, तो वो वीडियो लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों को, ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सके, अपनी मालूमात में इजाफा कर सके। और वीडियो देखने के लिए प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसको जहन नशीन कर लीजिए। और जो भी आपको काम दिया गया है, सरगर्मी दी गई है, आप उसको जरूर कीजिए और अपनी क्लास टीचर को बताइए। और हम मिलते हैं अगले सेशन में।